हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं बहुत महीनों के बाद यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते या फिर यूट्यूब पे भी हमें सिखाओ। तो कर रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो। आज सुबह सुबह बोलने में इतनी एनर्जी नहीं होती, फिर भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एकदम हाई पिच में बात कर रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी भरी भरी रहती है। और आज शूट करने के लिए भी कोई नहीं है, तो अकेला ही शूट कर रहा हूँ। अगर आप ये मोबाइल का सेटअप देखोगे तो मैंने ये मोबाइल सैंडल में रखा है और शूट कर रहा हूँ। कोई नहीं है शूट करने के लिए। एंड आज ट्रेनिंग भी अकेले ही करने वाला हूँ। मज़ा नहीं आता उतना अकेले ट्रेन करने में, बट फोकस काफ़ी तगड़ा रहता है व्हेन यू आर अलोन। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मतलब जिम और मार्शल आर्ट्स को कंबाइन कैसे करता हूँ। सो इफ़ यू फॉलो साकेत गोखले ऑन यूट्यूब, मुझे उसकी ये आइडिया बहुत पसंद आती है कि वो एकदम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपल तरीके से ट्रेनिंग करता है। एंड आई लाइक दैट। तो मेरे जिम के ट्रेनिंग में मेरा स्प्लिट रहता है पुश पुल लेग्स। पहले दिन मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ, देन पुश एंड देन पुल। जिम की ट्रेनिंग में मेरा प्राइमरी फोकस स्ट्रेंथ पे होता है, एंड देन हाइपरट्रॉफी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, वो सब। तो स्ट्रेंथ के लिए मेरे प्राइमरी मूवमेंट्स होते हैं बारबेल बेंच प्रेस, बारबेल बैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स। और डेडलिफ्ट आजकल नहीं मारता, क्योंकि जिम में हमारा फ्लोर डेडलिफ्ट का फ्लोर नहीं है, तो वी कैन नॉट डू डेडलिफ्ट ओवर देयर। तो इसलिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेडलिफ्ट के लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है जो कम रिस्की है एंड ज़्यादा इफेक्टिवनेस दे सकते हैं। तो मुझे मेरा सिर्फ वर्कआउट एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे ये आज वर्कआउट भी करना है। सो लेट्स गो। So keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice winter season. Can't wait for a single reason. Martial arts, maybe I like to keep things simple. मतलब jab, cross, basic kicks like front kick, roundhouse kick, side kick, wheel kick. मतलब चीज़ों को सिंपल रखने से बहुत आसान हो जाती है ट्रेनिंग। रोज़ नया सीखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो सीख रहे हो उसके बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं रेपिटेशंस की पावर को। मतलब कुछ भी एक नया मूव सीखते हैं, दो चार बार करते हैं और बोलते हैं मैंने तो ये सीख लिया, अब नया सीखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता। मतलब आपके जैब, क्रॉस, फ्रंट किक, राउंड हाउस किक पूरे मार्शल आर्ट्स का बेस है, बट वो बेस से लेके एडवांस तक सब लोग करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अगर एडवांस कर गए तो आपको ये जैब कभी काम नहीं आएगा। आपको रोज़ वही प्रैक्टिस करना है। तो क्यों ना आपके बेसिक्स को ठीक करने के लिए आप अपने ये रोज़ जैब, क्रॉस, फ्रंट किक, राउंड हाउस किक ये रोज़ प्रैक्टिस करने में कैसी शर्म। वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग रूटीन इज़ दिस मोबिलिटी ट्रेनिंग। मतलब आप कोई भी स्पोर्ट्स करो, लाइक बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, मतलब कुछ भी करो, अगर आपके जॉइंट सेफ नहीं है तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड मोबिलिटी ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट। मतलब कोई भी जॉइंट नहीं छोड़ना है, हर एक जॉइंट मोबाइल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो इंजरी से सेफ रहे और आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाओ। मतलब आपकी बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन में कंफर्टेबल नहीं हो तो चांसेस हैं कि वो एंड रेंजेस ऑफ मोशन में आपकी जॉइंट्स वीक रहेंगे और वैसे ही इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो जैसे मैं अपनी जिम वर्कआउट को स्प्लिट करता हूँ पुश पुल लेग्स में, वैसे ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के वक्त आई स्प्लिट लाइक प्लायमेट्रिक्स एक दिन होते हैं, मेरी स्किल्स ट्रेनिंग एक दिन होती है, एंड पंचिंग बैग, हैवी बैग वर्क एक दिन होता है। मतलब ये पैटर्न फिक्स नहीं रहता, क्योंकि सीखने के लिए बहुत चीज़ें होती है यार। कभी कभी कुछ नया देख लेता हूँ तो वो प्रैक्टिस करना होता है, या फिर कभी कभी लगता है कि मेरी एक किक या फिर एक पंच बहुत वीक लग रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा दिन देना पड़ता है। तो कुछ अलग पार्ट स्किप हो जाता है। मतलब आज अगर मुझे प्लायमेट्रिक्स ट्रेन करना है, बट मुझे लग रहा है कि आज पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं, मज़ा आ रहा है, आज शैडो बॉक्सिंग करते हैं या फिर हैवी बैग वर्क करते हैं,
तो वो डिफर करता है, रोज़ सेम नहीं रहता और एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न फॉलो नहीं करता। एंड आज तो मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ, तो शूट करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर कोई शूट करने के लिए होता तो वो डायरेक्टली कैमरा पकड़ लेता, बट मुझे हर टाइम कैमरा प्लेस करना पड़ रहा है, बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, कोई ना। एंड इफ़ यू आस्क कि मैंने अगर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था तो बीच में बंद क्यों कर दिए, सो द रीज़न वॉज कि मेरे पास पहले अच्छा डिवाइस नहीं था, तो साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और मेरी खुद की क्वालिटी भी उतनी अच्छी थी नहीं, तो डिमोटिवेशन आ गया था यार, और कुछ नहीं, तो उसी की वजह से बीच में ब्रेक ले लिया। एंड देन आई थॉट कि इंस्टाग्राम पे बनाते वीडियोस, रील्स होते हैं, छोटे होते हैं, यूट्यूब पे इतने बड़े वीडियोस बनाने पड़ते हैं, उससे अच्छा रील्स स्टार्ट कर दूँ, वो थोड़े इजी रहेंगे। एंड उससे स्टार्ट कर दिया, फिर तब भी मैंने रियलमी 7 पे ही स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद दोस्त आए, तो दोस्तों का आईफोन या फिर DSLR उस पे शूट होता था, तो इसलिए आपने जो वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि दे वर शॉट ऑन आईफोन 13 और ऑन DSLR। बट रिसेंटली आई हैव परचेस्ड न्यू आईफोन 13 खुद के पैसों से, तो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि दूसरे का मोबाइल मेरे पास कैसे रख सकता हूँ यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए। यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए आई नीडेड अ खुद का डिवाइस, सो अभी लिया है, इसलिए यू आर एबल टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। अब आप सोचो कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यह क्या बोल रहा हूँ मैं, बट आपको नहीं पता, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो आपको समझेगा कि मेरे बात करने का स्टाइल उतना कुछ खास था नहीं, जो आप अभी बोल रहे हो कि आपके बोलने का तरीका, आपका आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सो दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस। वैसे मेरा आज इतना वर्कआउट करने का मूड भी नहीं है, वीडियो शूट करने का मूड है, बट शूट करने के लिए कोई नहीं है, मतलब ये फेज से मैं गुजरता रहता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ओवर ट्रेनिंग करता हूँ। एंड आई थिंक फिर से वही टाइम आ गया है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, या फिर ट्रेनिंग को कुछ थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा यार इतना इंटेंस ट्रेनिंग करने में। कल ही की थी, कल तो मज़ा आ रहा था, बट आज नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। एंड जो मुझे ब्रेक चाहिए वो आई थिंक मुझे मिलेगा भी, क्योंकि मुंबई जाना है आज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लग नहीं रहा होगा क्योंकि नहीं हूँ, बताने के लिए बोल दिया कि एक्साइटेड हूँ, बट मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक होगा ओवर ट्रेनिंग से। शादी है रिलेटिव्स की, तो वो अटेंड करने जाना है, सो इट विल बी फन एंड अ ब्रेक फॉर अ वाइल। आपको आपके लिए ब्रेक नहीं होगा, वीडियोज़ मिलेंगे आपको अगर ट्रेनिंग करूँगा तो। ट्रेनिंग करने में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, बट we will be back. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I keep my shoes on and not listen. ये बच्चों की हरकतें नहीं है, this is good for balance, coordination. मतलब लोग शूज़ पहनने में इतने बिजी हो गए और हमेशा शूज़ पहन के रनिंग वॉकिंग सब करते हैं, सो दे भूल जाते हैं कि अपने पैरों की भी फिंगर्स होती है जो यूज़ की जा सकती है फ्लोर को ग्रैब करने के लिए, लाइक दिस। एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ योर फिंगर्स टू ग्रैब द ग्राउंड, आपका बैलेंस बहुत ख़राब होगा, सो थिंक अबाउट दैट। ऐसे भी ट्रेनिंग किया करो, कभी बोर हो जाओ रोज़ की ट्रेनिंग से तो, मेरी तरह। फिर से कर रहा हूँ, इससे आपको समझेगा कि सिर्फ मसल्स दिखने के लिए नहीं होते, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग मसल्स भी काम करते हैं, आपके नीज, आपके एंकल्स, आपके हिप्स, आपका कोर कंट्रोल, वो सब भी काम आता है। तो अभी टाइम आ गया है वर्कआउट ख़त्म करने का, आज कुछ खास उखाड़ा नहीं हमने वर्कआउट में, पर फिर भी रोज़ उखाड़ना ज़रूरी नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं मुंबई आ रहा हूँ, मतलब क्या मुझे पता नहीं कि क्या ऑब्सेशन है, बट मुझे बचपन से मुंबई बहुत पसंद है,
तो जा रहा हूँ फिर से वहीं पे, तो अपडेट्स आपको सारे मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो, अरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो तभी आप यूट्यूब पे आए हो, तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे भी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं।